MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 8 फरवरी को जालिमों का दौर ख़त्म और मजलूमों महकूम आवाम की हुक्मरानी के दिन शुरू होने जा रहे हैं। कराची की आवाम MQM की शक्ल में अपनी शनाख्त को कामयाब कराएंगे। सीनियर डेप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पैसों से इलेक्शन खरीदने की कोशिश करने वालों का गुरूर कराची वालों ने खाक में मिला दिया। हमें ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए जिसमें एक घंटे की बारिश से ये शहर ही डूब जाए। मेरी माओ बहनों ने, दोस्तों और भाइयों ने आज की शब को एतबार लौटा दिया इस शहर को। ये शहर कतरा कतरा, करिया करिया, गोशा गोशा, कूचा कूचा, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, वापस कराची कराची के लोगों के पास आ गया है। 21 जनवरी को इजहार हुआ था, आज एतबार हुआ है, 8 मई को ऐलान भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से आपने हमारे कारकुनों की पजीराई की, आपने अपने हमारे कारकुनों की हौसला अफजाई की, आपने हमारे कैंडिडेट्स को मीटिंग्स दी, मुलाकातें करवाई, बरादरियों में घुमाया और ये एतमाद दिया कि MQM ही इस मुल्क के गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए वाहिद उम्मीद की करम किरण है।